हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो मॉर्निंग की टाइम है, अभी 11:30 जा रहे हैं, तो चलो सभी बड़ों को प्रणाम देती हूँ। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। मैं हूँ झुमा, इंडियन ब्लॉगर झुमा। झुमा के चैनल में सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो पूजा वूजा हो गया है और एक ब्लॉग को एंड किया तो दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट किया, क्योंकि आज मंडे है तो आज फर्स्ट है, तो मेरा बर्थ है आज भोलेनाथ का। जय जयकार हो, हर हर महादेव। तो चलो अभी का मैंने मॉर्निंग में, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देखना आप लोग। और अभी मॉर्निंग का सारा काम मतलब हो गया है सब कुछ, और अभी खाना बना के उनको दे दिया है, बर्तन निकाला धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए। उसके बाद फिर मैं दोपहर को बना लूँगी रात के लिए भी, क्योंकि फिर रात को ट्यूशन से आके मन नहीं करता। तो बेटी आज स्कूल नहीं गई क्योंकि कल कैम्प गई थी तो थक गई बोल रही है, तो नहीं गई। तो मैंने कहा चलो नहीं गई तो उसके लिए भी हो जाएगा और रात के लिए भी हो जाएगा। तो चलो अभी आपके साथ दिखाते क्या क्या बाकी है। तो देखो अभी तो पहले क्लीन थोड़ा बाकी है, और इसमें चावल रखा हुआ है, और ये एलोवेरा हस्बैंड लगाते हैं तो छत पे से डेली लेके आते, पर आज ज़्यादा ही लेके आ गए, बिल्कुल टूट गया था तो लेके आए। मैंने कहा कोई नहीं रख दो। और यहाँ पे सारा क्लीन करना है, और इतना फिर इतना बर्तन धोना है। इतना बर्तन धोने के बाद जाके मैं कपड़ा डाल के आऊँगी, उसके बाद जाके मैं शाम के लिए जो भी बनाऊँगी वही फिर बनाऊँगी, पहले क्लीन कर लेंगी तब। और मैं शाम के लिए बनाऊँगी चाप, और चाप निकाल के रखा, चाप बनाऊँगी। तो देखते और क्या बनाते, फिलहाल तो चाप बनाएंगे। तो देखो चाप को फ्राई कर लिया है, और इसको नमक थोड़ा सा कलर हल्का सा डाल के फ्राई कर लिया। और यहाँ पे मैंने चुकंदर बैठा दिया है चुकंदर की होने के लिए। यहाँ तेल देखो गर्म हो गया, धुआँ आ रहा है। यहाँ पे मैंने आलू काट लिया है, डालूँगी चाप में। और यहाँ सारा बर्तन मेरा धुल गया है, और यहाँ पे मसाला रेडी है एकदम। तो मसाला रेडी है, सब कुछ रेडी है, बनाने में तो ज़्यादा देर लगेगा ही नहीं। तो चलो फटाफट बनाते हैं। तो यहाँ पे तेज़पत्ता, जीरा और हींग तड़का लगा के आलू को फ्राई करूँगी, जब तक आलू फ्राई हो। और आज पता नहीं क्यों देख के लग रहा होगा कि आपको मेरा आँखें कैसा हो रहा है, तो पता नहीं क्यों आज अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, और ऐसे लग रहा है आँख बंद होते आ रहे, बंद होते आ रहे, ऐसे लग रहा है। जो कि आँख देखो खुला है, पर लग रहा है कि आँख मेरा बंद है। बहुत कोशिश कर रही हूँ आँख को खोलने के लिए, पर इतना ही खुल पा रहा है। तो चलो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। आलू फ्राई हो गया है देखो अच्छी तरह एकदम, और थोड़ा सा तेल देखो डाला है, मतलब आज थोड़ा सा ज़्यादा दिया क्योंकि ना थोड़ा चाप है, अगर थोड़ा सा मसाला ना हो, प्याज लहसुन डालूंगी नहीं, तो इसीलिए ना मैंने इसमें अदरक टमाटर थोड़ा काजू बादाम ये पेस्ट किया था, और इसमें जीरा है, ये धनिया पाउडर, ये मिर्च चाहिए, इसको डाल देती हूँ। और इनको भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, इसमें इसमें भी थोड़ा सा मसाला चला जाएगा। देखो और अभी कोई आ जा रहा होगा बाहर से, और ये नॉडी चिल्ला रही है, ऐसे कोई भी जाएंगे ना कोई भी, तो ये चिल्लाने लगेगी। तो इसके अंदर भी थोड़ा मसाला मसाला जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो देखो पूरा फ्राई हो गया है एकदम, अच्छा से हो गया एकदम, फुल फाइनल हो गया है। तो अब मैं ना इसमें डाल दूँगी पानी, जो मिक्सी धो के पानी डाल दूँगी, और इसको और थोड़ा सा पानी देना है, इतने में नहीं होगा, थोड़ा सा और देना है। तो देखो इतना पानी डाल ही दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर
बॉईल नहीं होगा तो इसके अंदर मसाला नहीं जाएगा, और इसके अंदर ये आलू भी पतला पतला है, वैसे देखो आलू हो गया है फिर भी थोड़ा सा, और कुछ सब्ज़ी बनाए नहीं। और ये 5 पीस मैंने ये लिया है, 1 पीस बेटी दोपहर को लंच करेगी और 4 पीस शाम के 4 जने के लिए, मतलब बेटा, हस्बैंड, राहुल, बेटी, 4 जने के लिए 4 पीस हैं। तो इसीलिए आज मैंने काटा भी नहीं, पीस पीस करके डाला, तो इसको ढक देती हूँ। और यहाँ पे भी मेरा हो गया है, तो मैं इस कढ़ाई को तो धो दूँगी और इसको धोऊँगी नहीं, इसको ऐसे रख दूँगी क्योंकि शाम को फिर गर्म करने के लिए हो जाएगा। ये है चाप की सब्जी बेटी के लिए, और है ये सुबह का थोड़ा सा चुकंदर जो बनाया मैंने दोपहर को, वो चावल, और थोड़ा सा ये फ्राई चावल है, और थोड़ा सा सब्जी है। ये है बेटी का आज का लंच। तो मैंने कढ़ाई में ऐसे ही रख दिया क्योंकि ना फिर रात को गर्म करने के लिए होगा, तो फिर बार बार धोना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए। और मैंने सारा जितना भी था वो क्लीन करके रख दिया, ये भी क्लीन करके रख दी। तो चलो बेटी को लंच देती हूँ। अब मुझे करना है थोड़ा सा प्रेस, क्योंकि आयरन करना है, और बहुत सारे कपड़े हैं करने के लिए, तो इतना तो कर ही लेती हूँ। और देखो जहाँ पे नोडी तो बिल्कुल देखो, तो चलो करती हूँ फिर। तो आ गई देखो बेटी को ट्यूशन छोड़ने, और पार्क में थोड़ा सा घूमने फिरने, अपने टाइम को थोड़ा अलग सा बनाने के लिए। तो अब चारों तरफ थोड़ा घूमूंगी फिरूंगी जब तक मेरा टाइम हो जाएगा। तो चलो अभी कोई ना कोई मिलने जुलने वाला भी होगा चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो चलो घूमते फिरते चलते हैं। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी करना मुझे। ये बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए मुरमुरा और नमकीन मिला दिया है थोड़ा सा तेल डाल के, तो दोनों का हो जाएगा ये। यहाँ पे बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाय, और यहाँ पे बना रही हूँ मेरे लिए चाय थोड़ा सा। तो ये चाय बना, खाली चाय तो अभी पीऊँगी, थोड़ा सा ही बनाई है देखो, बहुत थोड़ा सा। चलो चाय ले लिया है, और खाली चाय तो मुझे उतना अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। और व्रत में यार आज क्या ही लूँ, और शुक्रवार होता है तो चने वने खा लेती हूँ, तो आज तो कुछ भी नहीं, तो यही चाय पीती हूँ, थोड़ा चाय पी के रिलैक्स होती हूँ और इनको देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए 2 पराठा, और दूध गरम करके दूध से पराठा खा लूँगी, और कुछ भी नहीं बनाऊँगी। उनके लिए बनाऊँगी चावल, क्योंकि सब्जी रखा हुआ है, सब रखा हुआ है, इसीलिए ही मैंने बना दिया था कि मेरे वहाँ से आके थक जाती हूँ, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो चलो चाय पी लेते थोड़ा सा। तो सब्जी रखा हुआ है, सब कुछ सब रखा हुआ है, और सब रख दिया। ये चावल बना लिया इनके लिए, और दूध गर्म कर दिया, जितना बर्तन था लंच वगैरह सब धो दिए मैंने। अभी 9:30 बज रहे हैं और सब लोग खाना खा लेंगे और मैं सो जाऊंगी। तो इनके लिए प्लेट भी निकाल के रख रही हूँ कि ऊपर निकालना ना पड़े, सब रख दिया। तो मैं सोने जा रही हूँ, और मैंने खा लिया है दूध और पराठा। नमक नहीं रहता ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलो गुड नाइट, फिर मिलूंगी मैंने आप लोग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, ऑल टाइम स्माइल करते रहना। टाटा बाय बाय।